स्थितियों से सामना करते हुए कुछ मुकाम हासिल किया, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत। दिवाली बहन का जन्म 2 जून 1943 को अमरेली जिले के घड़ी तहसील के दलखानिया गांव में हुआ था। उनके पिता पुंजा भाई रेलवे में नौकरी करते थे। 1952 में पुंजा भाई का परिवार जूनागढ़ आ गया। उसके बाद उन्होंने उनका व्यवहार राजकोट में कर दिया। इधर पिता पुंजा भाई का अपने समधी के साथ विवाद होने के कारण उन्होंने यह शादी भी तुड़वा दी। ससुराल में केवल 2 दिन ही रहने के बाद वे मायके आ गए। इसके बाद वे कभी राजकोट अपने ससुराल नहीं गई। फिर उन लोगों ने कभी शादी ही नहीं की। अनपढ़ होने के कारण उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलती थी। अपने भाई के साथ रहने के कारण वह उन्हें अपनी ओर से आर्थिक सहायता करना चाहती थी। इसके लिए एक दवाखाने में कामवाली के रूप में नौकरी करने लगी। इसके बाद उन्होंने बाल मंदिर में नौकरी की, नर्सों के लिए भोजन बनाने का काम किया। दिवाली बहन ढील ने कैसे की अपने करियर की शुरुआत? बचपन से ही उनकी रुचि भजन लोकगीत गाने की ओर थी। उनकी आवाज़ देखी किंतु सुरीली थी। नवरात्रि के दौरान वह जब गरबा गाती तो लोग झूम उठते। जूनागढ़ का वणझरी चौक में भी वे गीत गाती थी तो ऐसा समां बांधता था कि पूछो मत। एक बार नवरात्रि के समय आकाशवाणी के अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए वहां पहुंचे। वहां पर उन सब ने उन्हें सुना। इस समय वहां उपस्थित हेमू गढ़वी ने अधिकारियों से उनके गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए कहा। इसके बाद हेमू गढ़वी के माध्यम से उनके गाये लोकगीतों की रिकॉर्डिंग की गई। तब उनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी। इससे पहला स्टेज प्रोग्राम देने पर जब पारिश्रमिक के रूप में 5 रुपये मिले तो वे बहुत ही खुश हुई। इसके बाद दिवाली बहन ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। दिल्ली, मुंबई, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, कराची जैसे स्थानों पर उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए। स्टेज प्रोग्रामों में उन्होंने सबसे ज़्यादा गीत प्राणलाल व्यास के गायक के साथ गाए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हमेशा पारंपरिक वेशभूषा में रहती। गाते समय उनके सर से पल्लू कभी नीचे नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले, कौन कौन से वो पुरस्कार मिले। भारत सरकार द्वारा 1990 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। उन्हें श्रेष्ठ पार्श्व गायिका जैसे अनेक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी दिवाली बहन ढीले, जिन्होंने परिस्थितियों से सामना करते हुए कैसे एक उच्च मुकाम को हासिल किया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहे।